हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये हैरियर है, टाटा की न्यू हैरियर। इसका प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है फ्रेंड्स कि इसमें चेक इंजन लाइट लग रहा है और ये इसका लाइट बीच बीच में लग जाता है। DEF जो लिक्विड डालते हम गाड़ी में, उसका वो लाइट लग रहा है चालू में, बीच बीच में, और बंद हो जाता है और ये चेक इंजन एक लगता है फ्रेंड्स। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका प्रॉब्लम किधर है। चलिए, गाड़ी के नीचे पीछे डिक्की के नीचे इसका वायरिंग का प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, फ्रेंड्स ये हमारी टाटा की हैरियर गाड़ी है, हैरियर गाड़ी है टाटा की। और नीचे इसका वायरिंग कट था फ्रेंड्स, DEFA का, जो डीजल के साथ साइलेंसर में चलता है फ्रेंड्स, उसका। ये देखिए, ये वायर कट था। ये देखिए, ये वायर के वजह से इसका लाइट लग रहा था फ्रेंड्स और चेक इंजन में लग रहा था। और नीचे ये जो सॉकेट है मेन, उसका वायरिंग ही कट हो गया, इधर चूहे ने काट दिया फ्रेंड्स, जिसके वजह से लाइट लग रहा था। अपने डिपे का लिक्विड भी डाल दिया फिर भी नहीं जा रहा था, तो ये वायरिंग का प्रॉब्लम था। ये वायरिंग हमने जोड़ दिया है फिर फ्रेंड्स, अभी लैपटॉप लगा के एरर क्लियर करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे फ्रेंड्स। तो वीडियो देखना, मैं इसको चिकटे मार के लेता हूँ, ये पूरा ओके करके लेता हूँ। फ्रेंड्स चिकन टेप लगा दिया है, उसको पूरी तरह से जोड़ दिया फ्रेंड्स, देख सकते हैं पूरी तरह से चिकन टेप मार दिया, सॉकेट भी तो टाइट लगा दिया है। चलिए फ्रेंड्स, अब इसको हम गाड़ी चालू करके देखते लाइट बीट का कुछ इशू है क्या। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए इसका ये लाइट लग रहा था फ्रेंड्स, ये वाला चेक इंजन का, और ये डीजल का भी लाइट लग रहा था फ्रेंड्स। तो डीजल का ये लाइट, नीचे वायरिंग खट था जिसके वजह से हमारा ये सॉल्व हुआ है फ्रेंड्स। तो अभी गाड़ी देखिए, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। अगर मैं गाड़ी चालू करता हूँ तो देखिए सब लाइट चल हो जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सब लाइट चले गए हैं, कुछ कोई लाइट नहीं आ रहा। ये देखिए, मैं वापस बंद करता हूँ, वापस मैं स्विच ऑन करता हूँ। कोई लाइट नहीं आ रहा है, कोई इशू नहीं आ रहा फ्रेंड्स। हैरियर का फ्रेंड्स प्रॉब्लम ओके हो गया फ्रेंड्स, तो आपका भी वायरिंग रिपेयर करके ओके हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स।